दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। इस शक्ति पर्व में शक्ति के केंद्र यानी राम राजराजेश्वरी मंदिर, जो आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है, इष्ट देवी मानी जाती है, उस मंदिर से भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र को उद्बोधन। ये तीनों सूत्र यह बताते हैं कि नवरात्रि के इस शक्ति पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भाजपा के लिए आचार संहिता के बाद पहली बार इस आदिवासी इलाके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अपने तूफानी दौरे में जहां मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज यानी मामा मंडला जिले के मुख्यालय पर राजराजेश्वरी मंदिर की पूजा किए, उसके बाद शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल हुए और साथ ही बिछिया विधानसभा के घुघरी क्षेत्र में सार्वजनिक सभा को संबोधित करके निवास विधानसभा की मानिकसरा इलाके में, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी यह तो तय है कि इस आदिवासी इलाके से ही चुनावी अभियान की शुरुआत करके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रीवा और सीधी इलाके में आदिवासी बंधुओं पर हुए कथित शोषण के मामलों के बाद आदिवासी समुदाय भाजपा से कुछ दूरी पर जा रहा है, ऐसा अंदेशा है। शायद उसी की भरपाई करने का यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी में यदि देखें तो जो पूर्व के नेता गृह मंत्री अमित शाह मंडला के दौरे पर आए, उन्होंने आदिवासियों को केंद्रित करके भाषण किया। कांग्रेस की प्रियंका गांधी की बात करें तो उन्होंने आदिवासियों को केंद्रित करके भाषण किया। अब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान यदि मंडला आए हैं तो आदिवासी शक्ति केंद्र जाकर अपने भाजपा के शक्ति केंद्र की मीटिंग ले रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि दोनों दल आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। घुघरी में सभा लेना और मानिकसरा में सभा लेना, यानी दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस पिछले इलेक्शन में जीती थी, इसलिए वहां आदिवासियों को आकर्षित करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा लगता है शायद यह दौरा उसी के कारण हो रहा है। अब यदि देखें तो लाडली बहना को आकर्षित करने के लिए अपने शक्ति केंद्र में उद्बोधित तो किया, लेकिन वह बहुत अल्प समय के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासियों को रिझाने मनाने पटाने का दोनों दल काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता कौन है, जबकि मंडला मुख्यालय की विधानसभा सीट की घोषणा ना तो अब तक भाजपा ने की है और ना ही कांग्रेस ने। धन्यवाद। जय हिंद।